हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम चालू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन। वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होंगे और वो क्यों होंगे, इनका पीछे का रीजन बता देता हूँ। पहली बात, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, इन वीडियोस में मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है। क्या लिखना है वो आपकी कॉपी में पहले से लेकर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा काम क्या होगा, मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या लिखा हुआ है, और यदि आपको समझ में आ गया कि वो क्या लिखा हुआ है तो आप आराम से उसको याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास वो है चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो चार्ज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, वो कहलाएगी अपने पास चार्ज। कैसे वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने वाले हैं ये लोग। ठीक है, अब जन सुनेंगे, चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, प्लस और माइनस। यदि प्लस प्लस चार्ज है और माइनस माइनस चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है, तो इनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर ले जाएंगे। अब बात करते हैं प्लस और माइनस या माइनस और प्लस की। इनकी बात कर लें तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपके पास अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, आपके पास ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि खींचेंगे। तो अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को करते हैं, रिपल करते हैं। अब चार्ज के बारे में दो आपसे प्रश्न पूछा जाए, चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखेंगे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट कोई पूछता है आपसे, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसा यूनिट है इसकी चार्ज की, कूलम, COULOMB। बी साइलेंट है, कूलम पढ़ेंगे, शॉर्ट आप इसको सिर्फ और सिर्फ सी लिख सकते हैं। तो चार्ज किस में नापा जाएगा, कूलम को, जैसे कि वेट न्यूटन में नाप लीजिए, डिस्टेंस मीटर में नापा जाएगा, वैसे चार्ज को किस में नापा जाएगा, न्यूटन में, सॉरी न्यूटन में नहीं, कूलम में। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक, ऐसा यूनिट हो गई, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे बनाते बनना चाहिए, A फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम है। ठीक है, मेरे नाम से याद रखें, मेरा नाम अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी सर का जो चार्ज है क्या है, AT, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चार्ज कंप्लीट हुआ, चार्ज इस प्रकार से हुआ। अब आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज पर, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी, तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी आपके पास एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, सिंपल चीज है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप चार्ज को सिंपली प्लस कर सकते हैं। सपोज कर लें आपको 2 कूलम चार्ज मिला, 3 कूलम चार्ज मिला, 4 कूलम चार्ज मिला, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 कूलम चार्ज हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूं आपको 5 कूलम चार्ज मिलता है, 3 कूलम चार्ज मिलता है, और मिलता है आपको चार्ज -2 कूलम। ये भी जनरल मेथड से ही प्लस हो जाएंगे, 5 × 3 कितना हो गया, 8 कूलम, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 6 कूलम। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद पहले मैं थर्ड पॉइंट आपको बता दूं, ये मिटा रहा हूं, कोई काम की चीज अलग से नहीं है, वही चीज है जो आपके पास पहले से, और यदि नोट करना हुआ करे तो आप बीच में नोट कर लिया करें। ठीक है, वीडियो रोक कर, ठीक, वापस आ जाते हैं अपने पास। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सी चीज है, चार्ज को सिंपल सिंपल प्लस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कंप्लीट। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जहां पर शब्द आया कंजर्वेशन, मतलब याद रखिए कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को आप बना सकते हैं, ना तो चार्ज को आप खत्म कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट अपने पास ये हो गया। इसमें कितने कूलम था, मतलब मान लेते हैं इसमें 4 कूलम था, इसमें था अपने पास
20 कूलम का चार्ज था, ठीक है। इन दोनों को अपन ने कॉन्टेक्ट मिला, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर एक दूसरे के साथ अपन क्या करते थे, घिस देते, बहुत अच्छे तरीके से घिसा, ठीक है। घिसते तो फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मैं कह लेता हूं इस पर कितना कूलम का चार्ज आ गया आपके पास, 5 कूलम का। आप बता सकते हैं इस पर कितना होगा, तो याद कीजिए शुरुआत में कितना था, 20 + 4 = 24 कूलम था, तो 5 में क्या प्लस कर दूं, 19 कूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं ना तो चार्ज खत्म होने वाला है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया। अब जो रियलिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पर आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आते हैं, तो चार्ज के देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, याद रखें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वो भी माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6, वो भी माइनस में, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम माइनस में, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, आपको बता दूं चार्ज को डिनोट करते हैं हम q से, इज इक्वल टू, यदि आपको n इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो n का e से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, q इज इक्वल टू n e, q क्या है चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, तो वो किस प्रकार से मिलेगा आपको चार्ज, वो चार्ज मिलेगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता वो मिल सकता, दो पे मिल सकता, तीन पे। कहने का अर्थ ये है कि एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एन क्या फ्रैक्शन की बात कर लो तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता आपको, एन क्या हो सकता है फ्रैक्शन नहीं हो सकता, याद रखेंगे एन हमेशा क्या मिलेंगे इंटीजर्स, एन हो सकता है +1 −1 + 2 − 2, इस प्रकार से नंबर्स में आपको जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में नहीं मिलेगा। मतलब यदि कोई कहते कि एक काम करो आधे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से छोटा और कुछ नहीं मानेंगे, आप अभी 12th में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, q इज इक्वल टू एनी। इससे क्वेश्चन बन सकता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो बताइए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, वन वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल सकता है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म, चार्ज की तीनों प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के साथ ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कूलाम्स लॉ क्या है, बहुत सिंपल सा लॉ है, कूलाम लॉ या कूलाम्स लॉ भी कह सकते हैं। कूलाम्स लॉ क्या है, दो चार्ज रखे हुए हैं, सपोज कर लेते हैं अपने पास दो चार्ज यहां पर रखे हुए हैं, एक चार्ज क्या है प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू है, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, ये सपोज कर लें। तो कूलाम्स लॉ एक लाइन में बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ The magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्लस और माइनस है तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास, Q1, Q2, और फोर्स जितनी ज्यादा, देखो डिस्टेंस इतना पास में, पास पास में ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा दूर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, और ज्यादा दूर ले जाइए फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला दीजिए, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, फ्रॉम वन एंड टू आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ध्यान से देख सकते हैं। इन इक्वेशन वन और टू के हिसाब से आप कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखा फिजिक्स में, याद रखना है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना एक कांस्टेंट लगाना है, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट के हो सकता है, या ये कांस्टेंट होगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀Q1Q2/r2। ये 1/4πε₀ क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, फिर
वन अपॉन फोर पाई एपिसिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर है न्यूटन, तो ये हो जाएगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये यूनिट किसकी होगी अपने पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आपका कूलाम्स लॉ खत्म होता है। ठीक, कूलाम्स लॉ कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था, कूलाम्स लॉ भी सिंपल था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थे, हर एक टॉपिक क्या थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नेक्स्ट टॉपिक फिर से लेकर आते हैं, और सजेशंस यही है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।